this channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks before investing in our predictions please take advice from your financial advisor we are not responsible for any of your profit and losses so तो चलिए पहले मैं आपको 19 अगस्त 2020 के लिए जो इंटरडे स्टॉक्स मैंने आपको दिए थे वो मैं आपको बता देता हूँ जो पह इनमें देखिए आज हमारा क्या हुआ बाकी सबका रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा रहा मैंने आपको ओ, टेलीग्राम चैनल पे टाटा का टाटा मेटल इंडस्ट्रीज का जो शेयर स्टॉक था वो दिया था तो बाकी तो सब का बेस्ट ही रिज़ल्ट रहा बट अगर देखा जाए तो हमारे जो सीमेंट्स था उसमें क्या हुआ कि हमारे एस एल हिट हो गए शॉर्ट सेलिंग का एस एल पहले हिट हुआ सीमेंट्स का और उसके बाद वो टारगेट तीनों अचीव करके दिया बाई साइड का हमारा खाली एस एल हिट हुआ टारगेट अचीव नहीं हो पाया तो इसलिए मैं बोलता हूँ अगर पहली बार में अगर हमारी कोई भी किसी भी कॉल का एस एल हिट होता है दूसरी बार अगर वो लेवल ब्रेकआउट करता है अगेन तो आप उसे बाय कर सकते हैं तो अब चलिए बढ़ते हैं ट्वेंटी अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी के इंटरडे स्टॉक्स की तरफ पहला स्टॉक हमने आपके लिए चुना है एक्सिस बैंक जिसका लेवल ब्रेकआउट होगा फोर फिफ्टी का फोर फोर्ट जब ये स्टॉक हो जाएगा तब उसका लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा एग्जैक्ट फोर फोर्टी सिक्स पर आप बाय नहीं करेंगे फोर फोर्टी सिक्स पॉइंट वन जीरो जब हो जाएगा तब आप इसे बाय कर लेंगे पहला सेफ जोन रहेगा देखिए ये फर्स्ट टारगेट नहीं होता टारगेट ये दोनों होते हैं ये सेफ़ जोन होता है लेकिन मैं किसी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहला टारगेट इसे कहता हूँ तो ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए ये छोटा आपको दिख रहा है कि ये छोटा है बट ये सेफ जोन है इसमें होता है कि एक्चुअली में मैं, मैं बोलता हूँ आपको आपको करना क्या होता है कि स्टॉप लॉस जो है 443 का जो मैंने स्टॉप दिया है अगर आप 446 पे बाय करते तो स्टॉप लॉस दिया है 443 का 443 से आप शिफ्ट कर देंगे 447 पे उसके बाद 450 और 452 का वेट करेंगे ऐसे में क्या होगा आप एक्सपीरियंस भी लेते रहेंगे मार्केट से और कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट गेन करने के बाद आप क्या करेंगे लूज़ नहीं करेंगे थोड़ा ना थो, हाँ, छोटा से छोटा प्रॉफिट बुक जरूर करेंगे तो यही है ये सेफ़ जोन कहा जाता है बट काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैं फर्स्ट टारगेट प्राइस कहता हूँ ये चीज़ क्लियर रखिएगा शॉर्ट सेलिंग साइड का लेवल ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है सारे स्टॉक्स में लेवल ब्रेकआउट कैसे होगा फोर जब हो जाएगा तब आप इसे बाय कर लेंगे शॉर्ट सेलिंग का लेवल टारगेट रहेगा आपका फोर फोर्टी पॉइंट और स्टॉप लॉस रहेगा फोर का अब स्टॉप लॉस में क्या होगा एक्चुअल में देखिए बाय साइड का जो स्टॉप लॉस रहेगा अगर फोर से नीचे जाने लगता है स्टॉक तब आप उसे अपना स्टॉप लॉस हिट मान लेंगे 443 पे एक्जैक्ट अगर स्टॉक होल्ड करके ऊपर आ जाता है तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है 443 के नीचे जब जाने लगेगा उसी का उल्टा 445 के ऊपर जब जाने लगेगा तब आप उसे स्टॉप लॉस हिट मानेंगे वरना नहीं मानेंगे 445 पे फाइव एक्जैक्ट स्टॉप लॉस हिट नहीं मानेंगे अगला स्टॉक में ना आपके लिए चुना है ग्रेसिम जिसे आप बाइक रहेगा चलेंगे सिक्स पे स्टॉप लॉस रहेगा सिक्स सिक्सटी सॉरी टारगेट प्राइ जाएगा सिक्स सिक्सटी और सिक्स का स्टॉप लॉस रहेगा आपका सिक्स अगेन जो मैंने अभी आपको बताया लेवल ब्रेकआउट और स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट होगा सिक्स सिक्स वन का तब आप टारगेट प्राइस रखेंगे सिक्स फिफ्टी नाइन सिक्स 54, 650 और 665 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा याद रखेंगे अगर कोई भी स्टॉक गैप अप ओपन होता है तो आप क्या करेंगे 10 एम के तक वेट करेंगे उसका गैप फिल होने का कल मैंने आपको समझाया था एक बार न्यू व्यूअर्स को समझा दूँ मैं अपने गैप फिल कैसे होगा आप कर्सर देखिए कर्सर जैसे मान लीजिए ये लाइन है और एक ये लाइन है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे अगर स्टॉक ओपन होता है इस लाइन के ऊपर स्टॉक ओपन होता है तो आप क्या करेंगे वेट करेंगे टेन के अंदर ये इन दोनों लाइन के बीच में जो ये कर्सर है जैसे ये कर्सर आ रहा है वैसे स्टॉक आए उसके बाद होल्ड ले एक मिनट का एक मिनट का होल्ड लेने के बाद दोबारा जब बढ़ेगा तब आप इसे बाय करेंगे ऐसे ही अगर बिना होल्ड लिए ये ऊपर जाता है तो आप उसे बाय नहीं करेंगे एक मिनट का होल्ड बोला है, मैंने ये बात भी ध्यान रखेंगे और एक मिनट के होल्ड में एकदम एक ऐसे ही नहीं रहेगा स्टॉक अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा बट बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में ऐसे ही गैप डाउन ओपन होने पर नीचे से ऊपर आएगा होल्ड लेने के बाद ही आप उसे शॉर्ट सेल करेंगे बाय कर सकते हैं गैप डाउन ओपन होने पर गैप ओपन होने के बाद शॉर्ट सेल कर सकते हैं ईजिली पहले लेवल ब्रेकआउट में एक बात ध्यान रखिएगा चोला होल्डिंग मैंने आपका लिखना है वो है 394.50 ना थ्री नाइन्टी ना फोर पॉइंट फाइव जीरो का लेवल ब्रेकआउट होगा तब आप इसे बाय कर लेंगे थ्री नाइन्टी ना 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 सिक्स थ्री नाइन्टी नाइन फोर नाइन्टी टू रहेगा थ्री नाइन वन शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगा थ्री से नीचे टारगेट रहेगा थ्री 384, एट पॉइंट फाइव जीरो थ्री एटी फोर थ्री और रहेगा आपका थ्री थ्री का आपको डिस्प्ले में हमारा नंबर मिल रहा होगा प्लस डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा नंबर मिल जाएगा आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कुछ भी चीज़ आप कुछ पूछनी होगी आप पूछ सकते हैं प्लान के रिगार्डिंग हम अपने सब्सक्राइबर्स की कॉल जो है हमारी वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं जो मैं रोज सब्सक्राइबर को कॉल देता हूँ आप भी अगर हमारा प्लान लेना चाहते तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट मार सकते हैं आपको लिंक दिख रहा होगा आपके डिस्प्ले में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा कोई भी प्लान के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी क्वेश्चन हो आप मुझे कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो के साथ उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो के साथ